दोस्तों, आज हम डीडीहाट से हल्द्वानी तक जा रहे हैं। ये हल्द्वानी तक का ब्लॉक है। अब हम थल पहुंचने ही वाले हैं। ये थल का मार्केट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थल पहुंच गए हैं हम लोग। अब इससे आगे आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये है यहाँ का शिव मंदिर। ये जो राम गंगा के किनारे बना हुआ है। अब हम उसी से पुल से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब आप इससे आगे देखो, अब हम सिरा घाट पहुंचने ही वाले हैं। नाश्ते के लिए हम रुक गए हैं। महबा अब छोले खा रहा है। देखो, सोबित को उल्टी हो गई। मैं भी छोले खाने की तैयारी में हूँ। अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। यह है अल्मोड़ा का चितई मंदिर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये चितई गोलू देवता का मंदिर। हम अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप इससे आगे देखो, यह है अल्मोड़ा का मार्केट। स्टार्ट हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। आज बहुत ही ठंडा हो रहा है, मौसम भी काला काला हो रहा है। रास्ते पर हम लोगों को ठंडा ही हो रहा था, बाद में हमने कंबल निकाला, कंबल ओढ़ के बैठे मार्शल के अंदर। बहुत ही ठंडा हो रहा था रास्ते पर। अब आप इससे आगे देखो, अब थोड़ी देर में हम लोग खैरना पहुंचने ही वाले हैं। ये है खैरना के पुल। ये है खैरना के दो पुल, जहां रानीखेत को जाने का रास्ता है यहां से। अब ये बीच के पुल हैं। अब हम कैची धाम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। यहां से स्टार्ट हो जाता है कैची धाम मंदिर। आज छुट्टी थी तो यहाँ इतनी भीड़ थी। दो तीन दिन की छुट्टियाँ थी तो यहाँ बावरे पूरा मंदिर भरा हुआ है। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। कितनी जगह हमको रुकना पड़ा, गाड़ी लगाने के लिए ही जगह नहीं हो रही थी। आने जाने में इतनी दिक्कत आ रही थी यहाँ। इसी वजह से हम हल्द्वानी देर में ही पहुँचे, लेट हो गए थे। फिर भी भैया ने हमको पहुँचा ही दिया था। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बारिश भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई थी। अब यह है नर्सरी यहाँ की, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अब हम पहुँच गए भीमताल। यह है भीमताल की ताल। ये ताल दिख रही होगी आप लोगों को गाड़ी से। यह है ताल यहाँ की, बहुत ही सुंदर ताल। अब हम भीमताल से आगे भवाली, उससे आगे निकल गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्द्वानी दिखने लग गया है इधर से। ये रास्ते में बहुत सारे मंदिर हैं। अब ये शुरू हो गई हल्द्वानी के पुल शुरू हो गए हैं। यहाँ से हल्द्वानी की सीमा शुरू हो गई है। ये वहाँ का मेन पुल है। अब इससे आगे आप लोगों को हल्द्वानी दिखाते हैं। आप लोगों को दिखेगा हल्द्वानी।
अब हम पहुंच गए हैं काठ गोदाम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है काठ गोदाम। यहाँ पर से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमको काठ गोदाम में नहीं उतरना था, हमें हल्द्वानी में उतरना था। वहाँ से भी ट्रेन मिलती है एक हल्द्वानी में और एक काठ गोदाम में, फिर उसके बाद लाल कुएं में मिलती है। कहीं से भी आप लोगों का टिकट होगा तो आप लोगों को वहीं जाना पड़ता है। अगर हमारा हल्द्वानी से है तो हमें हल्द्वानी में जाना है, जो बस स्टेशन के पास है। अब हम पहुंच गए हैं ये हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है। ये आप लोगों को दिख रही है मेरे बच्चे घूमते हुए। ओके बाय, थैंक यू।